तो अगर तुम्हारा भी माइनक्राफ्ट लैग होता है एंड उसमें FPS का F भी नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा भी कहाँ आता है, खराब हो जाएगा। अरे बचा करो, मेरा 6 FPS आता है भाई। सो इसलिए आज की इस वीडियो में तुम्हारे लिए लाया हूं एक काफी तगड़ा ऑप्टिफाइन वो भी MCP के लिए, जो तुम्हारा लैग काफी ज्यादा रिड्यूस करेगा एंड तुम्हारे FPS को भी काफी ज्यादा बूस्ट करेगा एंड यहाँ तक ये तुम्हारे माइनक्राफ्ट के 1.20 वर्जन से ऊपर के सभी वर्जन में चल जाएगा। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो इस ऑप्टिफाइन के अंदर तुम्हें वॉर स्कीपर आउटलाइन देखने को मिल जाएगा एंड ऑल्सो इसमें क्लियर वाटर भी देखने को मिल जाता है एंड ये वाटर इतना क्लियर है कि इसमें तुम अपना फेस भी देख सकते हो। खाओ माँ का कसम। इसकी ग्रास के भी टेक्सचर में थोड़ा सा चेंज किया गया है एंड इस ऑप्टिफाइन में तुम्हारे फायर के एनिमेशन को ऑफ करके लो फायर कर दिया गया है एंड इसमें बोतल के भी टेक्सचर को चेंज किया गया है। इसमें हर्ट के एनिमेशन को एड किया गया है जो कि तुम स्क्रीन पे देख सकते हो एंड इसमें पार्टिकल के भी इफेक्ट को पूरा का पूरा गैप कर दिया गया है जो कि तुम्हारे FPS को बूस्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा एंड ऑल्सो इस ऑप्टिफाइन में तुम्हारे केप के भी टेक्सचर पे को चेंज करके व्हाइट कलर का कर दिया गया एंड ऑल्सो उसके ऊपर एक क्राउन का इमोजी एड कर दिया गया है। इस ऑप्टिफाइन में तुम्हारे फूड को काफी ज्यादा छोटा कर दिया गया है एंड गोल्डन एप्पल के एनिमेशन में भी थोड़ा सा चेंज किया गया है और एप्पल्स को भी देख सकते हो काफी ज्यादा छोटा कर दिया गया है। बाकी देखने में तो नॉर्मल है बट इन्वेंट्री में तुम्हारे काफी ज्यादा छोटा देखने को मिल जाता है। ऑल्सो इसमें ईटिंग के पार्टिकल्स को भी पूरा का पूरा रिमूव कर दिया गया है। इस ऑप्टिफाइन में तुम्हारे थीम के भी टेक्सचर पैक को चेंज करके पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है जो कि तुमने और भी कई सारे ऑप्टिफाइन एंड टेक्सचर पैक में देखा होगा। ऑल्सो इसमें क्विक क्राफ्टिंग का भी फीचर देखने को मिल जाता है जिससे तुम एक ही बार में कई सारी चीजें क्राफ्ट कर सकते हो, बार बार उस पर टैप करना नहीं पड़ेगा। इस ऑप्टिफाइन में तुमको डोर्स के भी टेक्सचर पैक में काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल जाएगा। लाइक तुम देख ही सकते हो सभी डोर्स में कुछ न कुछ ग्लासेस टाइप के ऐड हुए हैं जो कि देखने में तो काफी ज्यादा सही लगते हैं। ऑल्सो इसमें बो के अंदर भी चार्ज इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा एंड इसमें बो के एरिया को भी काफी ज्यादा कम किया गया। लाइक तुम देख ही सकते हो बो को एकदम साइड में कर दिया गया जिससे कि तुम शूटिंग काफी आराम से कर सकते हो एंड इसके अंदर शील्ड के भी टेक्सचर पैक में काफी ज्यादा चेंज किया गया है। लाइक तुम देख ही सकते हो शील्ड को काफी ज्यादा छोटा कर दिया गया है, देखने में तो काफी ज्यादा अजीब सा लगता है बट इसका एक बेनिफिट जो काफी ज्यादा सही है जो कि एरिया काफी कम कवर करता है एंड तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुमने हाथ में शील्ड लिया है एंड इसके अंदर क्रॉसबो में भी चार्ज इंडिकेटर ऐड किया गया है एंड इसमें क्रिट वगैरह के एनिमेशन को भी पूरा का पूरा रिमूव कर दिया गया है एंड ऑल्सो इसके अंदर तुम्हें स्काई के भी टेक्सचर पैक में काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल जाएगा। लाइक तुम क्लाउड वगैरह देख ही सकते हो काफी ज्यादा अलग कर दिए गए एंड नाइट का एनिमेशन भी तुम देख ही सकते हो एकदम नॉर्मल सा ही है लाइक जैसा डे में था बट नाइट में डार्कनेस थोड़ा सा कम देखने को मिल जाता है। इस ऑप्टिफाइन में इतना ही, बाकी अपन का एक मेन चीज तो बची जाता है अभी जो कि है TNT के साथ बूम बाम करना। अभी चलते हैं TNT फोड़ने, बिकॉज उससे ही पता चलेगा कि हमारे ये ऑप्टिफाइन कितना ज्यादा स्टेबल और कितना ज्यादा सही है। सो यहाँ पे देख सकते हो भाई मैंने काफी ज्यादा इधर TNT प्लेस कर दिए भाई, लिटरली बहुत ज्यादा भाई, पता नहीं क्या होने वाला। मैंने इधर से चार्ज भी कर दिया है एंड इधर ये सब दब चुका भाई और लिटरली कुछ भी नहीं पता चला भाई, सारे के सारे TNT ब्लास्ट हो चुके हैं एंड कुछ भी जरा सा भी लैग देखने को नहीं मिला भाई। तो चलो मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में इस ऑप्टिफाइन का लिंक देखने को मिल जाएगा, तुम उधर से डाउनलोड कर लेना एंड अगर तुम्हें डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम उधर हाउ टू ओपन माई लिंक्स वाली वीडियो देख सकते हो। डाउनलोड करने के बाद तुम्हें माइनक्राफ्ट में उस ऑप्टिफाइन को इम्पोर्ट कर लेना है। इम्पोर्ट होने के बाद ग्लोबल रिसोर्स पैक में जाकर उसको एक्टिवेट कर लेना है एंड एक्टिवेट होने के बाद तुम्हें कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि तुम्हारे प्ले के बटन एंड सेटिंग वगैरह के बटन को भी काफी ज्यादा चेंज किया गया है जो कि देखने में काफी ज्यादा प्रोफेशनल टाइप का लुक दे देता है एंड तुम्हें जिस भी वर्ल्ड में खेलना है उस वर्ल्ड के अंदर तुमको जाके इसको एक्टिवेट कर देना है। तो उधर से तुम इस ऑप्टिफाइन का यूज इजीली कर पाओगे। सो यार आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी तुम लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। बाकी मैं तुम लोगों से मिलूंगा फिर किसी और ऐसे धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।